गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम रसायन विज्ञान में दो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं का गैल्वनीकरण किया जाता है क्यों? तो बेटा देखो, सक्षरण क्या है? सक्षरण एक जंग लगने की क्रिया है। सक्षरण रोकने के लिए लोहे की वस्तुओं का गैल्वनीकरण किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लोहे की वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबोते हैं, जो लोहे की वस्तुओं को हम पिघले हुए जिंक में डुबोते हैं, जिसके फलस्वरूप इस पर जिंक की एक परत चढ़ जाती है। यदि वस्तु पर कोई खरोच पड़ती है तो लोहे की अपेक्षा जिंक का सक्षरण पहले होता है। जिंक पहले खराब होगा और उसके बाद आपका लोहा खराब होगा, क्योंकि जिंक लोहे से अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में कभी नहीं पाई जाती, क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातु, अगर हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, ये ऊपर की ओर स्थित होती है, अर्थात इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसलिए ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आते रहते हैं, और इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है और नोट डाउन करना है। थैंक यू।